सभी सावधानियों को ध्यान रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। कृपया आप इसे घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में पेट्रोल ले लिया है। अब मैं पेट्रोल को जला दे रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी का ध्यान रखा हुआ है, तो कृपया आप इसे घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मैंने तो सोचा था कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन ये तो एक कैंडल की तरह जल रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट तक जलते रहने दिया, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला। टेस्ट ट्यूब को किसी भी ऑब्जेक्ट से ढक देने पर उसमें जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होता है वो बंद हो जाता है, इसी वजह से वहाँ की फायर भी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इस फायर को बंद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये 10 मिनट में ही केवल इतना सा खाली हुआ। पूरी टेस्ट ट्यूब खाली होने में ना जाने कितना समय लगता। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को ये मिली, जितना भी पेट्रोल का पार्ट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में था उतना ही जल रहा था, यहाँ पर कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर मैं पेट्रोल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसके पास थोड़ा सा भी फायर देने पर ये तुरंत ही आग पकड़ लेता है। दोस्तों, यहाँ तो मैंने सोचा था कि अगर टेस्ट ट्यूब के ऊपर इसी तरह आग जलती रहेगी तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये हीट होकर मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट तक ऐसे ही जलता रहा और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में से सारा पेट्रोल गिरा दूंगा और आप देखिएगा कि क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरा, जितना भी पेट्रोल था इसने टेस्ट ट्यूब को कवर कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल तभी तक सेफ है जब तक कि इसको हम लोगों ने कंटेनर में रखा हुआ था। अगर हम लोग इसको कंटेनर से बाहर निकालते हैं तो यह काफ़ी तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़े जहां पर पेट्रोल की वजह से आग लगी हो, तो दोस्तों आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप लोग पेट्रोल की सप्लाई को बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।